डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र परियोजना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। तो आइए जानते हैं बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। यह औद्योगिक क्षेत्र 7,855 एकड़ में फैला हुआ है। इस परियोजना की कुल लागत 6,414 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को 3 चरणों में विकसित किया जाना है। इसमें चरण A को प्राथमिकता दी गई है, जो कि 2,511 एकड़ में फैला हुआ है। साथ ही इस चरण में 2,427 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बता दें कि यह क्षेत्र NH 752E के समीप स्थित है और यह नागपुर को मुंबई से जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग से केवल 35 किलोमीटर दूर है। वहीं इस क्षेत्र को दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी NICDP के तहत विकसित किया गया है। यह औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र का उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और 30,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। साथ ही इस परियोजना का उद्देश्य 56,200 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। आइए अब जानते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, कृषि और शिक्षा के लिए जाना जाता है। इस राज्य की राजधानी मुंबई है, जो वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र है। इसकी भौगोलिक विविधता में समुद्र तट, पहाड़ और पठार इत्यादि शामिल है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह औद्योगिक क्षेत्र 7,855 एकड़ में फैला हुआ है। दूसरा कथन है, यह औद्योगिक क्षेत्र NH 43E के समीप स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।